क्या तुम्हें अच्छा लगा? ये वो सवाल था जो संदीप घोष ने 2017 में हांगकांग में एक मेल नर्स से पूछा। जी हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जो अभी भी सीबीआई की कस्टडी में है, उन पर पहले भी छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2017 में हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल प्रोग्राम के लिए वो गए थे। वहीं पर एक मेल नर्सिंग स्टूडेंट ने उन पर अनुचित तरीके से छूने के आरोप लगाए थे। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो घोष ने सफाई दी कि ये सब एक गलत फहमी थी और उनके कंधे की चोट की वजह से ऐसा हुआ। कोर्ट ने उनकी इस सफाई को मान भी लिया था और मामला वहीं दब गया। लेकिन अब जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर के साथ हुए इस दर्दनाक घटना के बाद घोष की गिरफ्तारी हुई है, तो ये पुराना मामला भी चर्चा में आ गया है। दरअसल 2017 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें उस नर्सिंग स्टूडेंट ने संदीप घोष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। घोष उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के हेड भी थे और हांगकांग में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गए थे। डॉक्टर विल्सन ली, जो क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में घोष के ऊपर नजर रखे हुए थे, उन्होंने कोर्ट में गवाही दी कि संदीप घोष के एमआरआई स्कैन से पता चला कि उनके कंधे में चोट थी और शायद इसी वजह से वो गलतफहमी हुई। एक बयान में डॉक्टर ने कहा, उन्हें उस वक्त इंटरनेशनल कनेक्शंस की मदद से भारत भी लाया गया था, लेकिन ये तो पुराना मामला है। नए आरोपों की बात करें तो संदीप घोष पर सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे बिना दावों वाले शवों की अवैध बिक्री, बायोमेडिकल कचरे की तस्करी और मेडिकल सप्लायर्स को कमीशन से लेकर टेंडर पास करवाना। इतना ही नहीं, छात्रों से 8 लाख रुपए तक लेकर पास करने के भी आरोप। सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट दोनों ने बार बार सवाल उठाए कि जिस वक्त कॉलेज में डॉक्टर की ये हत्या हुई, तब संदीप घोष ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सारे आरोप सच्चाई के करीब ले जाते हैं या फिर इस घोटाले की कहानी का एक ऊपरी परत है। खैर, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।